तो हेलो ब्यूटी व्यूज, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है फैज खान, आप सभी लोग देख रहे हैं अपने चैनल एवरीथिंग यू वांट योर चॉइस। और गाइज, आपके मन में कभी ना कभी ऐसा आता होगा जब आप मेरा यूट्यूब चैनल या फिर किसी और का यूट्यूब चैनल देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि खुद का भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, पर ऐसे में आपको समझ नहीं आता है आपका चैनल का कैटेगरी क्या होगा, आप किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओगे। तो आज के स्टूडियो में आपको 5 से ज़्यादा नए और यूनिक कैटेगरी बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक यूट्यूबर है पर आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप इन कैटेगरी को चूज़ करके एक अपना नया चैनल को शुरुआत दे सकते हैं और शायद ये कैटेगरी आपका चल जाए और आपका चैनल सक्सेस हो जाए। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब के जो मेरा पहला कैटेगरी है वो काफ़ी हद तक यूनिक भी है और न्यू भी है। उसका नाम है मीडिया रिपोर्टिंग अबाउट यूट्यूब कम्युनिटी। अब के मेरे ख्याल से 5 ही 6 ऐसे यूट्यूबर है जो यूट्यूब पर चल रहे हैं इस कैटेगरी को लेके। तो गाइस, इस 5-6 में आप शामिल हो सकते हैं और अपने चैनल को आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, बीबी की वाइंस, अमित भड़ाना, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, ऐसे बहुत सारे फेमस यूट्यूबर हैं। पर जब आप इनका नाम अपने टैग्स में, अपने टाइटल्स में, थंबनेल में यूज़ करेंगे तो आपको एक अलग ही शॉर्टकट मिल जाता है। और ये गलत नहीं है, ये तो सही है। आप उनके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स जो भी हैं वो कवर कर रहे हो तो सही, एक तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा और जल्दी सक्सेस मिल सकता है। और इसमें तो टॉपिक्स बहुत सारे मिलते हैं, कोई ना कोई यूट्यूबर का तो सिल्वर प्ले बटन, किसी का कितना सब्सक्राइबर, ऐसे में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इस कैटेगरी में। तो ऐसे आप इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। अब जो अगला कैटेगरी है वो है रोस्टिंग। गाइस, ये काफ़ी हद तक हम नहीं बोल सकते यूनिक है, नहीं नया है, पर अभी भी यूनिक है, बिकॉज अभी भी ज़्यादा लोग रोस्टिंग नहीं कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम होता है, मतलब सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे। पर आप रोस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको फेम लाना है तो। अगर आप में रोस्टिंग करने का टैलेंट है तो आप रोस्टिंग कर सकते हैं। रोस्टिंग में ज़्यादा सकते कीवर्ड से मिलता है, थंबनेल से मिलता है, वही मीडिया रिपोर्टिंग वाला बात। फॉर एग्जांपल, आप बीबी की वाइंस को रोस्ट कर रहे हो तो ऐसे में लोग ज़रूर आपकी वीडियो देखेंगे, बिकॉज बीबी के बहुत सारे फैंस हैं। कैरी मिनाती के केस में क्या हुआ था, वो जब बीबी की वाइंस को रोस्ट किए थे तब जाके उन पर अ लॉट ऑफ व्यूज़ एंड लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स आए थे। तो ऐसे में आप भी कुछ अपना टर्निंग पॉइंट बना के रोस्टिंग कर सकते हैं फेमस पर्सनस को, उनके थंबनेल से, उनके टैग से, उनके टाइटल से भी आपके बहुत सारे व्यूज़ आ सकते हैं। अब जो अगला कैटेगरी है वो है व्लॉगिंग। व्लॉगिंग में क्या गाइज, आपको बस लंबे लंबे वीडियोस बनाने हैं, लंबे लंबे वीडियोस वॉच टाइम के लिए, और बस जो भी चीज़ हो रहा है उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है जो लोगों को पसंद है। मतलब कि भयानक भयानक चीज़ें आपको दिखाना है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप सिंपल तरीके से दिखाएंगे तो लोगों को देखने में पसंद नहीं आएगा। पर आप उसी को, उसी चीज़ों को, जो भी आप चीज़ आपके जो साथ चीज़ हो रहे हैं उसको एक्सप्लोर करके अच्छे तरीके से दिखाएं। और फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं कहीं, अब आपका नहीं एक्सीडेंट, अब बाहर से देखने किसी और का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, तो आपको वो चीज़ जल्दी से कैप्चर करना है, उसको अपने थंबनेल में, टाइटल में लगाना है ताकि ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ों को देखें। अब ले आपके साथ ना हो, आप उसको अच्छे से व्लॉग में अपने नहीं कवर कर पा रहे, फिर भी आपको ये चीज़ ऐसे करना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, सब्सक्राइबर्स आएँ। और ऐसे ही व्लॉगिंग होता है गाइज, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखा है ऐसी चीज़ करते हुए, और इसी तरीके से व्लॉगिंग होता भी है सही मानों में। तभी लोग देखते हैं, देखिए क्या हुआ, और व्लॉग वीडियो है तो अच्छे से कवर किया होंगे, कैसे हुआ होगा, क्या साथ में हुआ होगा। ऐसे में अपने नए जगह घूम सकते हैं और दिखा सकते हैं। अगर लोग वहाँ जाएंगे तो उससे पहले सर्च करेंगे वीडियोज़, और आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ और सब्सक्राइबर अच्छे तरह से आ सकते हैं। वॉच टाइम ज़्यादा होता है तो चैनल को जल्दी ही प्रमोशन मिल जाती है यूट्यूब की तरफ से। अब जो अगला कैटेगरी है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रेडिक्टिंग स्पोर्ट्स मैचेस। अब स्पोर्ट्स मैचेस में क्या होता है, क्या होता है आप तो जानते ही हैं, विन और लॉस, कितना चांसेस है कौन जीतेगा, कितना चांसेस है कौन हारेगा। और आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट्स में तो ज़रूरी इंटरेस्ट होगा, आप उस इंटरेस्ट को फॉलो करके ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बना सकते हैं। और ऑफकोर्स ये नया नहीं है और नहीं यूनिक है, पर बहुत ही व्यूज़ आते हैं गाइस। अब बहुत ही ऐसी चैनल्स हैं फिर भी सब पे व्यूज़ आएंगे, और अगर आप जल्दी जल्दी कवर करोगे हर एक मैचेस का तो आपको भी लोग जान जाएंगे। और बस आप में एक टैलेंट होना चाहिए, और जो चीज़ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको आप अच्छे से पब्लिक के साथ रिप्रेजेंट करते हो तो लोग ज़रूरी आपको देखेंगे। अब जो ये चीज़ है ना, ये कैटेगरी है, ये काफ़ी हद तक नया है और यूनिक है, बिकॉज ये मेरे आइडिया से है। और बहुत लोग फ़ोन को रिव्यू करते हैं, गैजेट्स के रिव्यू करते हैं, अलग अलग चीज़ों का रिव्यू करते हैं, पर अगर आप कॉमन स्टफ्स को जो आपके सराउंडिंग में उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दें तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अब गाइस, ये मेरे आइडिया में आया था और मैं इसको करने वाला था, पर मेरा पैसा, मेरा हॉबी टेक में है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ।
पर अगर आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हो ना तो आपको काफ़ी हद तक आगे चल जाते हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है, आप कोई भी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो बस प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। कुरकुरे चिप्स हर चीज़ का करो, जो आपको मिलता है उसका रिव्यू करो, लोग देखेंगे, जो चीज़ को लोग यूज़ करेंगे उस चीज़ को ऑफकोर्स लोग देखेंगे। बस आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है, आपको ये माइंड में नहीं लेना है कि क्या है क्या नहीं है, बस उसको चीज़ को अच्छे से रिव्यू कर देना है, पूरी बातें उनको बताना है, बस ये चीज़ आपको करना है। तो कहते ऑफकोर्स लोग देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, बस आपको करने वक्त डरना नहीं है, भुला दे डर कुछ अलग कर। अब गए जो अगला कैटेगरी है वो काफ़ी हद तक आप नया बोल सकते हो, अब यूनिक तो नहीं बोल सकते बिकॉज ये चीज़ें सभी लोग कर रहे हैं। गैस ये है व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो मेकर। गैस यहाँ पे लोग 30 सेकेंड का वीडियोस बनाते हैं और मिलियन व्यूज़ लेके जाते हैं बिकॉज व्हाट्सएप तो बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं। फेसबुक में भी स्टोरीज लगाने का ऑप्शन आ जाता है, अब ऐसे में लोग आते हैं अपने स्टेटस के लिए चूज़ करने लगते हैं ये सॉन्ग का, ये सॉन्ग का, ये सॉन्ग का, और ऐसे में अगर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो ऑफकोर्स व्यूज़ आने लगेगा। मैं भी बनाया हूँ एक दो वीडियोज़, वो मेरा दूसरा चैनल था और उस पर 200-300 व्यूज़ स्टार्टिंग ही में आने लगे, पहली दूसरी वीडियो में व्यूज़ आने लगे और जो मैंने बिल्कुल शेयर भी नहीं किया था, फिर मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। बस मैंने करके देखा था कि देखिए कैसे लोगों के पे व्यूज़ आते हैं और ऑफकोर्स 200-300-250-400 व्यूज़ आने लगा था। तो आप इसको भी, आप इस कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। बस लिरिकल वीडियो बनाएंगे तब उसमें ज़्यादा थोड़ा मेहनत लगेगा, पर ऐसे में आप बस 30 सेकंड का वीडियो काटो और अपलोड कर दो यूट्यूब पे, सॉन्ग के नेम से जो कीवर्ड्स होते हैं, जो थंबनेल्स होते हैं, वैसे भी व्यूज़ आ जाते हैं। तो बस आपको इस चीज़ में भी आ जाना है और कॉपीराइट्स का डर नहीं है बिल्कुल। और हो सके तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने से पहले लोग सोचते हैं कि मेरे चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर आ जाएँ, पर आप ये वीडियोज़ बना के बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं, फिर जाके इसी कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी में चेंज करके आप एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। तो बस ये थे कुछ कैटेगरीज गाइस, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएंगे। ये जो कैटेगरीज हैं वो काफ़ी कमाल की कैटेगरीज हैं और ऐसे कैटेगरीज में आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिल सकता है, आपका बड़ा से बड़ा यूट्यूब चैनल बन सकता है। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।